सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अयान अभी दूसरे रूम में, मैं दूसरे रूम में, क्योंकि मैं आपको आज क्राफ्ट दिखाने वाली हूँ अपने, जो जो मैंने अब बनाए हैं अभी तक। ओके, तो क्या था ना, 5 तारीख को मेरे पापा का बर्थडे था, तो उसमें मैंने क्या किया था ना, पापा के लिए बर्थडे का मतलब गिफ्ट कुछ नहीं दिया था, तो मैंने उसके लिए गिफ्ट भी बनाया पापा के बर्थडे के लिए, जो मैं आज दूंगी पापा को। तो मैं क्या कहूँगी वो भी आपको दिखाऊंगी। ओके, इतना मेहनत कर रही हूँ, इतना बनाई हूँ, इतना दिखा रही हूँ, इतना मेहनत करके एक लाइक बनता है ना। और अगर लाइक कर ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साइड में जो बेल आइकन होता है रेड कलर का, उसको ग्रे कर देना। और क्या करना है कमेंट में बताना, और क्या क्या दिखाऊं, कलर दिखाऊं, कॉपी दिखाऊं, पेंसिल रबर्स दिखाऊं। ओके, तो अभी मैं लाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सब आ गया है मेरे सामान, जैसे पापा का बॉडी कार्ड जो मैं आज पापा को दूंगी, में लिखा है हैप्पी बर्थडे पापा, एंड ये मैंने कुछ डेकोरेट किया है, ये कागज नहीं है, ये टेप, एंड ये अंदर से कलर, और ये मेरे पास कुछ स्टार वाले स्टिकर्स पड़े थे तो मैंने वो लगा दिए। ओके, फिर सेकंड है हमारा बांसुरी, ये मेरा स्कूल प्रोजेक्ट था, जो मैं एक और आपको दिखाऊंगी ये वाला, वो भी मेरा स्कूल प्रोजेक्ट था, ये था जन्माष्टमी का, और जो भी गर्ल्स थी एंड बॉयसेस थी ना, वो उनको क्या करना था, ऐसे बांसुरी लेके तैयार होके ऐसे फ़ोटो खींच के भेजना था मैम को, तो मैंने भी भेजा था। उसको फ़ोटो अभी है नहीं वाला, मैं आपको ज़रूर दिखाती मोबाइल ला के, दूसरा वाला। तो ये देखिए, ये ऐसा कुछ बांसुरी है, एंड ये मम्मी का ओढ़नी मेकर है, मम्मी ने बोला कि, और यहाँ पे कुछ लटकाने के लिए था नहीं, तो मम्मी ने बोला कि ये लगा देते, मैं निकल गया वैसे भी। एंड ये मेरे छोटे छोटे जो स्टोन्स थे, मैंने उनको चिपका दिया इसमें। अभी मैं आज कह के पापा से बोलूँगी, अगर स्टोन्स और मिले तो ठीक है, वरना और क्राफ्ट नहीं बना पाऊँगी अगर स्टोन नहीं मिले, क्योंकि मैं हर क्राफ्ट में स्टोन ले जाता। एंड ये लास्ट क्राफ्ट जो मेरे स्कूल का था, एंड ये जो दिख रहा है ये एक तकिया है, ठीक है। तो ये था दिवाली का, ये दिवाली में मैम ने बोला था कि ये बुक में सब चीज़ दिया हुआ था, तो मैम ने बोला था कि ये लेके इसको बना दो ऐसे, फिर मेरे को क्लिक करके फ़ोटो भेजना, तो मैंने क्लिक करके फ़ोटो भेजा मैम को। तो कुछ ऐसे है, सो जैसे ऐसे किसी यहाँ पे ऐसे कील ठुका हुआ या कोई ऐसे टांगने वाला जगह, तो ऐसे रख सकते हैं दिवाली के दिन डेकोरेशन काम आते हैं। ओके, एंड पता है फ्रेंड्स, इस गिफ्ट के अंदर ना एक और गिफ्ट है, वो मैं आपको वीडियो में जब आप देखोगे ना इसको खोल के, जब दिखाऊंगी इसको खोल के तब पता चलेगा। तो पहले है ये, तो ये देखिए कि इसमें मैम ने बोला था कि इसको ऐसे ग्लू ऐसे अंदर कर देना और फिर इस पर रिबन लगा देना। तो ये तो आपको दिखाई दिया, उस टाइम सारा जानकारी दे दिया। और ये वाले पता है फ्रेंड्स क्या किया था, मैम ने बोला था होल्ड कर देना या ब्लैक कलर से कर देना, तो हमें होल्ड करना आ नहीं रहा था, तो हमने ब्लैक कलर से कर दिया, तो भी ये होल की तरह लगा है। एंड मैम ने सबका फोटो करके वीडियो एक सेंड किया था, बहुत क्यूट वीडियो था। फिर आता है हैप्पी बर्थडे पापा वाला लेटर, जिसको मैं खोल के दिखाती हूँ मैंने कैसे डेकोरेट किया है। पहले मैं देख लेती कुछ गड़बड़ से नहीं हुआ। मैं आप लोगों को भूल गई थी दिखाना, देखिए आई लव यू पापा। और ये मैंने क्या किया ना, ये देखिए इसे स्टोन से चिपका दिया कि पापा जब भी इसको देखेंगे ना, और ये देखिए दिल खोल बंद वाला, और गिफ्ट फ्रॉम पापा लिख दिया मैंने। एंड ये मैंने सनसेट वाला लिख के आई लव यू, एंड ऐसे बीच में दिल, ठीक है। अभी ये देख सकते हैं, ये इधर मैंने इसमें स्टोन लगाया था, फिर मैंने एक चीज़ बनाई, तो मैंने क्या किया ना, ये फोटो फ्रेम है, तो ये तो इसमें कैसे रखा था, मेरे पापा को एक गिफ्ट का लालच में दो गिफ्ट देना था, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको ऐसे रिंग जब बनाया ना,
मैंने स्टोन इसमें चिपकाया था, तो ये तो बार बार अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने क्या किया कि पापा के ऐसे ये ऐसे स्टेप रहेगा तो पापा देख लेंगे, इसीलिए मैंने इसको स्टेप करने वाला बना लिया। देखा, फोटो फ्रेम दिखाऊं, पापा से फोटो मांग के किया है लेकिन पापा को बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि ये बर्थडे गिफ्ट है। ये पापा का फोटो, ये मेरा, ये मम्मी का, ये जब मैं छोटी थी तब का, ये मेरी मम्मी, ये मैं और ये पापा, अत्ता बयान हुआ नहीं था। सो या फ्रेंड्स, ये फोटो शूट था तब का, जब हम अयान नहीं हुआ था, हम लोग की पूरी फैमिली फोटो शूट था तब। ओके, फिर देखिए, ओ इसका ग्लू खत्म हो गया। एंड एक और चीज देखेंगे, सरप्राइज है, फिर भी दिखा देते हैं आपको। आपसे क्या है सरप्राइज, आप तो हमारे दोस्त ही हो। हमने यहाँ पे कट भी बनाया था डिजाइनिंग के लिए, बहुत क्यूट कहते हैं। ऐसे खोलने पे पता है क्या लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हमने ट्रायंगल कट किया है। आपको दिख नहीं रहा दिल के नीचे, ये ऐसा लग रहा है ना। और ये सनसेट वाला फीलिंग, आई लव यू पापा लिख के। सो फ्रेंड्स, वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको, मतलब मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मैं कुछ हाल चाल नहीं रहता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ एक ऐप के बारे में, मीशो ऐप नहीं है, वो है एक स्टोरी ऐप। उसका नाम याद नहीं आ रहा, एक स्टोरी ऐप है जिसमें आप हॉरर स्टोरीज दे सकते हैं, एंड एवरी ऑफ स्टोरीज आप उसमें स्टोरीज दे सकते हैं। चलो भाई ये सब बकवास, मेरे को जब नाम याद आएगा ना तब मैं आपको अच्छे से बताऊँ। एंड फ्रेंड्स, मेरे को कोई कमेंट नहीं करता, मेरे को बड़ा दुख लगता है। प्लीज कमेंट किया करो, मेरे को भी आपके पहले जो लोग कमेंट में जवाब देते, मेरे को वैसे जवाब देना अच्छा लगता है, बट आपको ही मतलब कमेंट ही नहीं करते हो। है ना, तो चलिए मैं जाती हूँ, ये सब रख के आती हूँ, फिर आपसे थोड़ा सा बातें करती हूँ, कुछ कुछ दिखाती हूँ। ओके, पापा का गिफ्ट शाम को दूंगी। ये क्या हुआ फ्रेंड्स, ये देखिए तो ये निकल गया। फ्रेंड जाती हूँ मैं, रख के आती हूँ। ओके, जब देख सकते हैं मेरे पिटारा नीचे आ, मैं मेरे क्राफ्ट रहते हैं स्कूल के, अच्छे से पुराने बुक कॉपीज रखे हुए हैं मेरे पिटारे में, पापा के कपड़े यही पे मैं काट रखूंगी, क्योंकि जब पापा आते हैं सबसे पहले तो इस रूम में अलमारी नहीं खुलती, तो मैं उनको जो बयान चले जाएगा तब उनको दिखा। बहुत सारे लोग विश करते होंगे कि अयान को क्यों नहीं दिखाती है, तो आज अयान को दिखा देती हूँ, मिलती हूँ। सो अयान बाबू आ रहा है। ओके, जल्दी आ, दरा दरा आयन बाबू, हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, फ्रेंड्स को हेलो बोलो। ओ अरे तुम हेलो बोलो, इजी लगा दी, दिखा दी बोलो। हाँ बोल, दिखा दो, हेलो बोलो, हेलो बाय बाय बोलो फ्रेंड्स को, बाय बाय बोलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो बोलो,
बोलो हेलो, ऐसे हेलो बोलते हैं ना? नहीं। बोलो मम्मा। बोलो नहीं बोलोगे? आजा बाबू उस रूम में बात करेगा। ठीक है फिर आप लोग देख ही सकते मेरे क्यूट से भाई को। ओके तयान बाबू बात करो, हेलो करो। बेड पे चढ़ेगा तब बात करेगा शैतान। मम्मा बोलो मम्मा। मम्मा एन हेलो बोल दो फ्रेंड्स को, अपने अपने फ्रेंड्स को एन हेलो बोल देगा। हेलो बोल दो। अरे बोल नहीं एन, हेलो बोल दो। एन ने लाइट बंद कर दी है। हेलो बोलो। बोलो हेलो। बोलो हेलो। बोलो हेलो। फिर मैंने लाइक बंद कर दिया, आपको मैं नहीं दिख रही हूँ। एंड बाबू सुनो 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 बाबू, ए बोल दो, ए बोलो, ए एंड बोल दो, ए बोल दो, ए ए बोलो। ये YouTube पे सेंड होगा। तो हम लोग मिलेंगे आपको बस एक सेकंड में, तब तक के लिए बाय।